सबको आज का दिन बहुत बगल में रहे और मेरे लिए भी रहे। और सविता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैंने मेरे ब्रेन की उपमा थ्रोट से दी। वो अरारोट बोल रहे थे, मैं भी से बोल रही थी ना, अरारोट की शेप का जो दिमाग से कैसे मन, हम बच्चों को कहते हैं ना कि हर एक जो ड्राई फ्रूट होता है, जो फ्रूट होता है, वो हमारे जिस शरीर के अंग का लिए काम करता है उसमें वैसी ही आकृति होती है। ये बात बिल्कुल सही है। और आप कभी भी देख लीजिए, गाजर की आकृति हमारी आंखों के जैसी होती है और अखरोट की आकृति हमारे दिमाग जैसी होती है। तो दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी ने सबसे पहले आज मुझे ही बुला लिया कुंडली, उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो मेरा विषय है यहाँ पे 21st सेंचुरी स्किल्स। तो इससे क्या मतलब है, अभी हमने 21st शताब्दी, जैसे कि 21st सेंचुरी स्किल का मतलब होता है 21वीं शताब्दी में हमें अपने बच्चों के अंदर कौन कौन से कौशलों का विकास करना है। तो यहाँ पे हमारी भूमिका थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। बहुत सारे स्किल्स, अभी स्किल्स की जरूरत क्यों पड़ी, अभी तक की जो चल रही थी एजुकेशन पॉलिसी हमने पढ़ी, हमारे से पहले हमारे पेरेंट्स ने पढ़ी, उससे पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने पढ़ी, और हमारे जिनके बच्चे अब जॉब कर रहे हैं वो भी उसी वाली एजुकेशन पॉलिसी से निकल कर आए। लेकिन अभी ये एजुकेशन पॉलिसी में ये 21st सेंचुरी स्किल्स की जरूरत क्यों पड़ी, अभी सोचा है इसके बारे में? अगर किसी ने सोचा है तो जरा बताए। किस चीज का बर्डन कम करने के लिए, जो लोड होता है ना बच्चों के माइंड पे, उसको कम करने के लिए, प्लेफुल वे में बच्चों को पढ़ाने के लिए 21st सेंचुरी स्किल्स। ठीक है, और बताइए। लोड लर्निंग कम करने के लिए जी, लोड लर्निंग कम करने के लिए। ओके, और बताइए। यस, शिक्षण को बच्चों को इस तरीके से, इस माध्यम से सिखाना कि सिखाने की बजाय उनको कराना, जिससे उनको और अच्छे से उस विषय के संबंधित जानकारी मिले, पढ़ाने की बजाय उनको करके सिखाने पर जोर दिया गया है 21st सेंचुरी स्किल्स में। क्रिया आधारित शिक्षण है। ठीक, बहुत सुंदर। और फिर बच्चों को इजी वे में ज्यादा से ज्यादा सिखाना, इजी वे में ज्यादा, देखो सही, सारी बातें सही, लेकिन हमारा प्रोफेशन इसमें सामने आ गया। हम टीचर हैं तो हमने टीचर की तरह सोचा कि एजुकेशन का बर्डन कम किया जाए, नहीं, हम यहाँ से स्टार्टअप कर रहे हैं, हमसे पहले उनके पेरेंट्स स्टार्टअप कर चुके हैं इस चीज को। ठीक है, हमें क्या करना है, उसको आने वाले जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लायक करना है। विद्या भारती का लक्ष्य 1980 से है, लेकिन न्यू एजुकेशन जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली आई है उसमें ये 2020 में लिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे देश में महामारी आई थी। अब हम उसे महामारी बोलेंगे, उससे बाहर निकल लिए, उससे बहुत सारे लोग ऐसे, अरे मुझे कोरोना हो गया, वहीं उसने अपनी आशा छोड़ दी, पॉजिटिव नहीं रहा। एक 80 साल का व्यक्ति जो पॉजिटिव था कोरोना है तो क्या हुआ, मेरे हाथ पर कांपते हैं तो क्या हुआ, वो आज भी जिंदा है। और एक 40 साल का व्यक्ति जो कोरोना से डर गया, भाई मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, वो वही चला गया अपने परिवार को छोड़कर। तो 21st सेंचुरी स्किल में हमें टीचर है, हमने टीचर्स की तरह बात की, लेकिन हम अगर एक पेरेंट्स की तरह देखें तो हमारे बच्चे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है उसे एजुकेशन से ही मिले। हम घर में एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सोशल लाइफ में एनवायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है इसके लिए, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ जो कि इसमें आएगा आपके लिए भी। डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक यूज करना, अब उसकी भी दो तरीके, पॉजिटिव थिंकिंग भी होती है और नेगेटिव थिंकिंग भी होती है। किसी चीज की दो थिंकिंग ना होती तो अब्दुल कलाम आजाद भी बनते और ओसामा बिन लादेन नहीं बनता। ठीक है ना, सब अब्दुल कलाम आजाद बनते, ओसामा बिन लादेन कोई नहीं बनता, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण ऐसा होता है। तो हम अपने इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स में जो हम सोचते हैं उससे क्या अलग है और किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स और एज अ सोशल पर्सन, क्योंकि सामाजिक प्राणी हर एक व्यक्ति होता है। तो हमारे हमारा जो उत्तरदायित्व है, हमारा उत्तरदायित्व पेरेंट्स की तरह भी है, समाज के पर्सन की तरह भी है, और हमारे उत्तरदायित्व बढ़ जाता है क्योंकि हम टीचर है, तो हमारा उत्तरदायित्व यहाँ पे बढ़ जाए। एक बार उत्तरदायित्व टीचर वाला उत्तरदायित्व शिक्षक वाला,
हमारा उसमें और भी बढ़ जाता है क्योंकि हम विद्या भारती में कार्यकर्ता हैं। विद्या भारती हमें आचार्य बोलती है, शिक्षक नहीं बोलती है। दूसरा हमारे लिए वर्ड आता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता मतलब कार्य को करने वाला। अब किसके कार्यकर्ता है? विद्या भारती के। तो विद्या भारती के कार्य को करने वाले हैं हम, उसके लिए उसने हमें क्या बताया, बनाया आचार्य, मेंटोर। टीचर और मेंटोर के बीच में सिर्फ एक हेयर लाइन है जो उसको डिफरेंशिएट करती है। तो मेंटोर का मतलब कोई मुझे बता सकता है? और बताइए, टीचर की तरह तो हमारे आवर्स होते हैं, 8 बजे से लेकर 1:30 तक बच्चा हमारे पास रहता है, हमें उसी में उसको कराना है। बट जैसे मैम ने बोला संरक्षक, गार्जियन, मेंटर। घर में पहले ग्रुप पर पढ़ाने चलती थी तो उसमें वो शिक्षक उसका 24 घंटे था। ऐसे पेरेंट्स हम 24 घंटे अपने बच्चे के मेंटर हैं। ऐसे ही विद्या भारती हमें क्या बनाती है? मेंटर बनाती, आचार्य बनाती, शिक्षक नहीं बनाती। तो एक ये बड़ा मतलब हेयर लाइन है बीच में समझने के लिए कि टीचर और मेंटर में क्या अंतर है, यानी कि शिक्षक और आचार्य में क्या अंतर है। विद्या भारती में शिक्षक क्यों नहीं कहा जाता, आचार्य या आचार्य क्यों कहा जाता, तो हमें उसी को लेके अपना काम करना है। अब 21st century स्किल्स जो है, क्योंकि 21st century जो है वो टेक्नोलॉजी और स्किल पर भी बेस है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। तो एक ही आपके सामने पिक्चर आ रही है जिसमें हमें इतनी सारी चीजों पर काम करना है। अब इतनी सारी चीजें इसे देख के तो बड़े घबराहट सी हो रही है कि क्या क्या आ रहा है, जिनको की 21st century स्किल्स में लिया गया है कि बच्चे में बेसिक चीजें ये होनी चाहिए। अब जितनी भी ये है इन सब के अंदर भी कुछ कुछ सब पॉइंट्स अब ऐड कर दिए गए हैं, बट मैं आज यहाँ पर आपको बेसिक चीजें ही बताऊंगी। नेक्स्ट, अब जैसे अब हमने जैसे आपस में कुछ ना आंसर मतलब कुछ कुछ आंसर्स निकाले, ऐसे हमने क्लास फर्स्ट में जो हम पढ़ा रहे हैं हमने पढ़ा होगा। एजुकेशन पॉलिसी में डिफरेंस आया, अब उससे पहले तो वही था, आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटा सा गोला बनाओ, बड़ा सा गोला बनाओ, फिर उसको एक डंडा लगाओ, फिर सीधा। आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, आ की मात्रा नहीं बोलते, आ का डंडा, क्योंकि तब ऐसे ही पढ़ाया जाता था। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे हमें याद रहती है। क्या आपको सारी चीजें याद है? नहीं, क्योंकि कुछ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं उसी से हमें चीजें याद रहती हैं। आज भी हमारे मस्तिष्क की याद करने की एक क्षमता है कि वो कैपेसिटी है कि वो उतना ही याद कर सकता है, मगर उसके साथ कोई इंसिडेंट जोड़ दिया जाए तो वो हमें याद रहता है। जैसे लक्ष्य के बारे में हमारी मैम बराबर बताती रहती है कि उसके एक सीक्वेंस बना दीजिए, यानी कि उसमें कुछ कुछ जोड़ दीजिए तो आपको वो याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, जब तक किसी चीज का क्रम नहीं बनता तब तक वो भूलता रहता है। उसमें आपका भी ना 10 हेडिंग्स याद कीजिए, आपको 9 हेडिंग याद आएगी, एक कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाएगी, लेकिन आप जिस दिन क्रम से करना शुरू कर देंगे 10 की 10 वापस आ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, टू बी रिमेम्बर ऑल द मार्क्स दैट वी स्कोर्ड इन क्लास फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6। मतलब आपने जो भी क्लासों में स्कोर किया हुआ आपका सब्जेक्ट वाइज मार्क्स याद है? नहीं। अच्छा, बीकॉम के मतलब ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के भी क्यों पता है? क्योंकि हमने इंटरव्यूज दिए हैं तो उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें पता रहती है। ठीक है, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल पीपल वर नाइदर ए ग्रेट्स। ये बात बिल्कुल सही है, जितने भी ग्रेट पीपल हुए उन्होंने कभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्लास में, वो ए ग्रेड वाले नहीं रहे, 90+, 95, 99% या 100% टाइम वाले नहीं रहे, थोड़े से कम रहे। नॉट डू दे केयर एनफ अबाउट इट टू ट्राई एंड रिमेम्बर देयर ग्रेड्स आइदर। और कभी भी आपको भी अपने स्कोर्स याद नहीं होंगे, बट वी रिमेम्बर द इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस वी हैड इन स्कूल, इन द मार्केट, विद फ्रेंड्स, इन ट्रेवल, बिकॉज दोज एक्सपीरियंस हैव गिवन अस वेरियस स्किल्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है स्किल्स। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते थे स्कूल के बाद निकलते, घर पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि मोबाइल नहीं थे, कोई कॉल नहीं था, घर पे भी फोन नहीं था, आके डांट पड़ी, 1 घंटा घूम के आए, आके डांट पड़ी बहुत जोर से कि हमारी हालत देखो, हमारी हालत कैसी है, तुम 1 घंटे के लिए चली गई, अब तुम इन्फॉर्मेशन कैसे देते, घर के पास भी कोई था ही नहीं,
फ्रेंड के यहाँ चले गए, हम तो मजे से खेल के झूला झूल के सब करके आ रहे, वहाँ हमारी मम्मी परेशान हो रही है, वहाँ पहली बार स्किल डेवलपमेंट हुआ क्या कि हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है, यानी कि हमें समय पर अपना काम करना है, समय पर वापस आना है, इससे हमारे फैमिली मेम्बर्स को पता है और उनसे पूछ के जाना। कितनी बार होता है सुबह बता देते हैं लेकिन उस समय तक उनको याद नहीं रहता, कि बहुत सारे काम होते हैं। अब हमें हमारे साथ भी होने लगा है, स्कूल का काम, थोड़ा अपना पर्सनल काम, फिर बच्चों का काम, तो भूलते कौन सा काम है, बच्चों वाला काम जो उन्होंने बताया निकल जाता है माइंड से। रात को 8 बजे बोलेंगे कि मार्केट से ये सामान लाना था, चलो भाई अभी चलते हैं, मैं भूल गई, है ना। तो ये यहाँ पे हमारा पहला स्किल डेवलपमेंट होता है। फ्रेंड के साथ बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट होते हैं, स्कूल में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट होते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स के साथ जब आप कहीं घूमने गए तो आपने देखा कि कोई बच्चा वहां से उतरा और गिर गया, तो आप दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। तो ये क्या हुआ वहां, तभी आपकी क्या हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुआ और आपको वो इंसिडेंट याद है। अरे भाई जब वहां गए थे तुम गिर गए थे ना वहां पत्थर से, तुम्हें आपको दर्द नहीं होता, है ना, ये रहता है। एंड मेड अस व्हाट वी आर टुडे, जो ये स्किल्स हमारे बचपन में शुरू हो जाती है वो हमें क्या है हम, इसके लिए हमारे प्रेजेंट में भी रहती है, बड़े होकर भी हमारे साथ रहती है। मोर द स्किल्स वी गेन थ्रू अवर एक्सपीरियंस द बेटर द ह्यूमन बींग वी कम। अब 21st century स्किल्स में रिक्वायर्ड बाई एन इंडिविजुअल फॉर हिज हर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जब एडीपी ने इसको लिया है तो उसने किस तरीके से लिया है ताकि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इसमें इफ एंड बट है ही नहीं, क्योंकि स्किल्स ऐसी ही ली हुई हैं जिनको कि करना बहुत जरूरी है, सो डैट ही शी कैन कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी नेशन द वर्ल्ड, ताकि कि वो अपने परिवार के साथ, परिवार बढ़ेगा सबसे पहले क्या होता है, कड़ियाँ कड़ियों से जुड़ती हैं तभी माला बनती है, ठीक है। सबसे पहले व्यक्ति का अपना विकास होगा, है ना सोनिया, फिर जब वो दूसरों का संपर्क करेगा यानी कि समाज में संपर्क करेगा तो समाज का विकास होगा। मेरी बातों से कोई दो लोग तो इफेक्ट होंगे, बीस में से दो लोगों को तो बात समझ में आएगी, वो दो लोग फिर और लोगों को बताएंगे, तो इस तरह से हमारी बात स्प्रेड होगी समाज में, ठीक है ना। तो अच्छी अच्छी बात, फिर समाज का विकास हुआ, समाज का विकास होगा तो नेचुरली किसका विकास होगा, स्टेट का होगा, स्टेट से किसका होगा, देश का होगा। अब पिछले 10 साल से हम ये देख रहे हैं 2014 से निरंतर प्रयास चल रहे हैं और आज देखिए हम कहां पर हैं, कि जिस देश ने वीजा कैंसिल कर दिया था आज वही देश स्टेट भ्रमण करा रहा है। स्टेट मतलब क्या, जर्नी जो भी था वो अमेरिका में भी था, सिर्फ 3 लोगों का हुआ है, जिनमें से एक नरेंद्र मोदी जी है जो अभी करके आए, जिसने उनका वीजा कैंसिल कर दिया था, यस, वह देश उनको बुला रहा है। यहाँ पे आती है फिर स्ट्रेंथ, पिछले 10 सालों में उन्होंने ये स्ट्रेंथ पाई है। अब जो 21st century स्किल्स हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 S दिए गए हैं। फर्स्ट है लर्निंग स्किल्स, दूसरा है, सेकंड है लाइफ स्किल्स, एंड नाउ थर्ड इज लिटरेसी स्किल्स। जो हमें 4 C's जैसे अभी मैम ने बताया इसके अंदर पॉइंट्स है ना, 4 C's, 3 technologies मतलब IMT, फ्लिप, ये सब इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दें जिससे कि आपको लर्न करने में समझने में इजी हो जाए। तो 3 L's दे दिए इन्होंने, पहला क्या है लर्निंग स्किल्स, दूसरा क्या है लाइफ स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स, ठीक है ना। तो इनको नाम दिया 3 L's, क्या नाम दिया इनको, 3 L's। फर्स्ट अब ये आता है हमारे टोटल 21st century स्किल्स में कौन कौन से, लर्निंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। इसका कोई सीरीज नहीं है, अगर हम कहें इसको सीरियस है वाले क्रिटिकल थिंकिंग करें तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनकी सीरीज हो सकती है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी, जिसकी मैं बात कर रही थी कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना वाइड हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी और सोशल स्किल्स। तो 3 S में इनको डिवाइड कर दिया गया है जिससे कि हमको समझने में आसानी है। लर्निंग स्किल में आप देखिए जितना भी है सारा लर्न करने से संबंधित,
यानी कि ब्रेन से संबंधित चीजें। अभी जैसे हम आए 26 को, मैम ने हमें कोई वर्क बताया कि आपको अपनी क्लास की डेकोरेशन करनी है, तो वो आप इन चारों में से किस में डालेंगे बताइए। लर्निंग स्किल्स को हम लेके चलते हैं, डालेंगे या कम्युनिकेशन में डालेंगे? मैम ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको अपना रूम इस तरीके से सजाना है। मुझे संस्कृत विभाग का रूम, संस्कृत भाषा का रूम मिला है, मुझे पता नहीं संस्कृत भाषा का रूम मुझे सजाना है, ठीक है, मेरे रूम का नाम कालिदास है, तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग किसको हुई? आपकी थोड़ी ना हुई, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ हुई? करेंगे नहीं, मैंने सिर्फ कहा कि आपको मैम ने, तो दैट इज अ कम्युनिकेशन है ना, मैम ने आपको बताया, कम्युनिकेशन हुआ। मैं इसके प्रेजेंट वाला ही एग्जांपल लेके चल रही हूँ, मैं कोई एक्टिविटी कराऊँ सच है कि हम इसी पर सोचे, उसके बाद आती है क्रिटिकल थिंकिंग। हमने सोचा, मुझे संस्कृत शिक्षा संस्कृत का मिला, मैंने सोचा उसमें क्या क्या करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स क्लियर किए गए कि आपको पोएम लगा सकते हो, आपको संस्कृत के राइटर्स पोएट्स के लगा सकते हो, तो मैंने तुरंत निकाली। तो वो क्या हुआ मेरा क्रिटिकल थिंकिंग। अब उसके बेस पे जब मैं चार्ट्स बनाऊंगी वो क्या होगी, क्रिएटिविटी। लेकिन इससे पहले आ जाएगा कोलैबोरेशन, कैसे, जैसे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं तैयारी से पूछ लिया, मुझे संस्कृत की किताबें दे दो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की, क्योंकि मेरी क्लास फोर्थ है, मैं थर्ड से उठा सकती हूँ, फिफ्थ से भी उठा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, कोलैबोरेशन किया, किससे किया, तैयारी से किया, उससे लिया। उससे पहले मैंने रेणु दीदी से भी कोलैबोरेशन किया था संस्कृत को लेके, है ना रेणु दीदी, तो ये मेरा क्या हुआ, कोलैबोरेशन हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि चार मेन तो सीरीज नहीं है, हम कहां पर कैसे आते हैं। अब क्रिटिकल थिंकिंग हम सब बहुत खुश रहे 2020 में, ठीक है, हमारा स्कूल बहुत बढ़िया, उसने हमें पे दी, वरना अदर स्कूल्स में तो आपको निकाल भी दिया गया था, पे दी तो बाकी सोच रहे, लेकिन जो पे दी थी उसमें हमें थोड़ा और मिलाना पड़ा, उसके लिए हमने सोचा कहां से निकाल सकते हैं। जो एडी स्कूल में ही है उनसे निकाल सकते हैं, सेविंग में पड़ा हुआ है वहां से निकाल सकते हैं, आरडी हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो उससे निकाल सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये चीजें आप सोच रहे हो कि मैम हमें बता रही है, बट हम बच्चों में कैसे करेंगे, बच्चों को लूडो खिलाएंगे, अपनी बॉडी को फूटने से बचाना है, दूसरे की बॉडी को फोड़ना है, क्या है क्रिटिकल थिंकिंग। दो गोटियां बाहर है, पांच आए हैं, तो किस गोटी का पांच चलना है, ठीक है, जिससे मेरी गोटी फूटे ना, या मैं चल रहा हूँ तो मैं वो घर हाउस बने हुए होते हैं ना उनपे बैठे में सेव हो जाए, ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। प्लेइंग कार्ड्स खिलाइए, किस तरीके से मेरा बनेगा, सेकंड लेटर्स खिलाइए। और सबसे बढ़िया बात है जैसे कि अंताक्षरी वगैरह चलती है तो उसको एजुकेशन से जोड़ के, फिर भी सोन की अंताक्षरी तो हर बच्चा खेलता है, आप उसको स्टेट से जोड़ के सिखाइए, मैथ्स में कंचे खिलाइए, कैपिटल को बताइए, ठीक है, वर्ड के बाद कोई वर्ड ऐसा बताइए जिसे हम एटलस खिलाते हैं एसएसटी में, कि हमने जो कंट्री या स्टेट या देश को वो शहर का नाम बोला उसके बाद जो अक्षर आया उससे आपको वो बोल रहे, तो हम यहाँ पर कुछ चीजें प्रोमिनेंट कर देते हैं, सिर्फ कंट्री बोलेंगे, कंट्री की कैपिटल बोलेंगे, या सब चीज को कभी कभी फ्री भी कर देते हैं। हमें तो कुछ कुछ ऐसे गाँवों के नाम में पता लगते हैं जो उनके नाना के गाँव का नाम है, हमें पता ही नहीं है। तो ये सब क्रिटिकल थिंकिंग में आता है, कम्युनिकेशन में आता है, इसमें आता है हमारा लर्निंग स्किल्स में, सबसे बड़ी बात ये। तो इसको हम जानते हैं फोर सीज से, इसे जानते हैं फोर सी से, क्योंकि सबका पहला अक्षर क्या है, सी, तो इसलिए इसको फोर सी से जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहले कम्युनिकेशन हुआ, फिर उन्होंने कोलैबोरेशन किया, फिर क्रिटिकल थिंकिंग हुई, मुझे कैसे क्या काम करना है, उसके बाद ठीक है, यही इसके क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या आता है, रीजनिंग, इवेल्यूएटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और एनालाइज। ऐसी क्रिएटिविटी क्या है, हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएटिविटी इज द फेनोमेन क्रिएट बाय समथिंग समहाउ न्यू एंड समहाउ वैल्यूएबल इज फाउंड। अभी हम सबके रूम बने गया, अभी भी हमने प्रधानाचार्य वर्ग में अपने रूमों की डेकोरेशन की थी, तो 20 रूम में तो 20 तरीके से निकल के आए, कुछ कुछ हर एक किसी के रूम में नया नया निकल के आया,
जो उसको दूसरे से भिन्न करता है, तो दैट इज अ क्रिएटिविटी। जो आपको कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको दूसरे से भिन्न करती है, क्रिएटिविटी। ठीक है ना। अब क्रिएटिविटी में क्या क्या चीजें आती है? इनोवेशन, थिंकिंग, माइंड, आइडिया, विजन, इमेजिनेशन, इंस्पिरेशन। सारी चीजें सिर्फ ये माइंड से नहीं होती। हम कहते हैं ब्रेन माइंड का बहुत बड़ा है, सारी चीजें से नहीं होती। कहीं कहीं से आपको कुछ आइडियाज भी लेने पड़ते हैं, कहीं कहीं आपको कोई विजन, आपने कोई सीरियल देखा, कोई मूवी देखी, उसको कोई चीज ऐसी भी मिल जाती है जो हमारे से हमें याद रह जाती है, फिर हम उसे अपने एजुकेशन में लेके आ जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल ले लिया कमरे का, कमरे के डेकोरेशन वाला, ठीक है। उसके बाद आता है कोलाबरेशन। कोलाबरेशन इज द एबिलिटी टू इफेक्टिव वर्क विद अदर्स, दूसरों के साथ हम कैसे काम करते हैं, तो ये कोलाबरेशन होता है, यानी कि टीम वर्क हम इसे कह सकते हैं। कोलाबरेशन में क्या क्या आती है, जैसे कि ये सेव द लास्ट वर्ड फॉर मी, ठीक है ना। जैसे अंताक्षरी वगैरह होता है, हम क्या क्या करा सकते हैं, चेन गेम, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप घर अपने हाथों से बनाइए कुछ में बच्चों। जैसे कि अभी हमने एक्टिविटीज में कराई थी, मैंने एलव मेकिंग का लिया था, तो उसमें बच्चों ने क्या किया, जहां घर से हैंडलक खुलता है उधर ही डेकोरेट कर दिया, जबकि डेकोरेट किधर होना चाहिए था, वो अपोजिट साइड होना चाहिए। अब बच्चे बोले मैम हमने सही तो किया है। उनका अच्छा बेटा आप भी मुझे दो, जैसे आपकी मम्मी दूसरे को देती है ऐसे आप मुझे दो। उसने मुझे दिया, उनका बताओ आप किधर से दोगे, इधर से देंगे या इधर से देंगे। तो उनका बोला मैम जिधर साइड ले जाए, अपोजिट साइड, इधर डेकोरेट नहीं किया था, उधर से दिया जाता उधर ही नाम लिख दिया मेरी मम्मी को, फिर आपने किधर डेकोरेट ही नहीं किया। तो बच्चों ने वो अनुभव से सीखा। तो यह होता है टीचर। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स रिटन भी हो सकता है, सुना भी जा सकता है, वर्बल ऐसे भी बोला जा सकता है, बॉडी लैंग्वेज से भी, कह देते ना याद रहते हैं कह देते, तो बॉडी लैंग्वेज से भी हो गया, बच्चा बैठ गया, ठीक है। थॉट हो सकते हैं किसी के, फीडबैक हो सकता है किसी के बारे में, ये कम्युनिकेशन स्किल्स के एलिमेंट्स। अब आते हैं लिटरेसी स्किल्स। लिटरेसी स्किल्स में तीन नियम है, आई एम टी, तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, आई एम टी। तो जितने भी इसमें स्किल्स हैं, तीनों के इनिशियल जो शुरू का लेटर है, स्टार्टिंग लेटर, इनिशियल लेटर, उसको ले लिया है। आई फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी, एम फॉर मीडिया लिटरेसी, टी फॉर टेक्नोलॉजी लिटरेसी। अभी मैं बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, सिंपल सी बात बोल रही हूँ। नरेंद्र मोदी के बारे में जो घटना घटी, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, टीवी से मिली, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। अब मीडिया कोई भी हो सकता है, मैंने टीवी से लिया, किसी ने गूगल पे पढ़ा होगा, किसी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, किसी ने दूसरे सुना, तो ये क्या हो गया, मीडिया हो गया, मीडिया टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजी लिटरेसी। जैसे मुझे बोला कि आपको 20th सेंचुरी स्किल बनानी, मैंने पीपीटी बना ली, इसको पीपीटी को तैयार करिए, तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब आते हैं लाइफ स्किल्स। तीसरा क्या है इसमें, लाइफ स्किल्स, जिसको नाम दिया फिलिप्स के बारे में किसी को कुछ याद आता है, सिर्फ एक फिलिप्स वर्ड के बारे में, इससे जोड़ के नहीं रहे गए, जोड़ के फिलिप्स के बारे में किसी को कुछ याद आता है, क्योंकि मैंने वहीं से याद किया, फिलिप्स के पंखे, फिलिप्स के बाल, अपना नाम भी नहीं पता। हमारे साथ ही बहुत सारे लोग हैं जिनको फिलिप्स का नाम भी नहीं पता होगा, सबको उषा, प्रियंका, ये सब याद है, लेकिन सबसे पहले फिलिप्स की ट्यूबलाइट आती थी जो सबसे अच्छी नहीं करती थी, और वो ना ब्लिंकिंग नहीं करती थी, वो या तो पूरी जलती थी या पूरी खत्म हो जाती थी। तो ये फिलिप्स इसलिए मेरे नाम, और एसएसटी में सिकंदर के पिता का नाम भी फिलिप है, ठीक है ना। दूसरी लोगों ने एसएसटी पढ़ाई होगी, कही होगी, फोर्थ क्लास में चैप्टर है सिकंदर के पिता का क्या नाम है, और ये आता है आदिकाल से आता है, ये आदिकाल में दूसरे नंबर तो से आता है, तो उसका नाम क्या है, फिलिप, ठीक है। तो फिलिप से, फिलिप्स में कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, 5 लेटर्स है, तो लाइफ स्किल में भी 5 ही स्किल्स है। तो सबका इनिशियल लेटर लिया है, जो पहला वाला है फ्लेक्सिबिलिटी, फिलिप, एफ फ्लेक्सिबिलिटी, एल लीडरशिप, आई इनिशिएटिव,
पी प्रोडक्टिविटी और एस सोशल डिस्टेंस, ये इसमें लिए हुए हैं। अब हमारे स्टूडेंट में सब चीजें होनी चाहिए। पहले हम फ्लेक्सिबिलिटी को ही लें। स्टूडेंट क्या होता है, जिस भी बच्चे को हम कर ले, चाहे हम उसे ऐसे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, हम उसके संरक्षक हैं, हम उसके पेरेंट्स हैं, कुछ भी, उसमें क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक बहुत पुरानी लोकोक्ति है, ज्ञान वही है जो समय पर काम आए। ज्ञान वही है जो समय पर काम आए, तो उसके बारे में कहानी भी है। वो चार लोग वहां पढ़ के गए, उन्होंने पोथी वगैरह ले लिया, तो शेर आ गया, है ना शांति दीदी, ऐसे ही है ना, प्राण डाल देते हैं, तो तीन को तो खा लेता है, चौथा पेड़ पर चढ़ जाता तो बच जाता। जबकि पढ़ा सबने साथ था, सबको विद्या आती थी जलाने की, चंकार देखा उसको जला दिया। तो यही, इसलिए ज्ञान वही है जो समय पर काम आए। तो फ्लेक्सिबिलिटी को हम उससे कनेक्ट करते हैं। पढ़ा हमने खूब पढ़ा, वो कबूतर वाली भी है, कबूतर जाल में फंस जाते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंस जाएंगे, फिर भी फंस गए, फिर उनको उनके लीडर ने बोला कि लेके उड़ जाओ, तो उड़ गए, तो फंस गए, लेकिन फिलहाल फंस गए। तो यहाँ पे ज्ञान वही है जो समय पर काम आए। फ्लेक्सिबिलिटी में भी वही है कि आप सीखते हो, लेकिन उसको किस समय पर कैसे यूज करना है ये भी आना चाहिए। एक ही सिचुएशन में जो चीज काम आती है वो दूसरी छोटी तीसरी में भी काम आ सकती है। ये जरूरी है कि साथ के वैसी सिचुएशन दोबारा रिपीट हो, ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसे हर प्रॉब्लम को फेस करना, उससे निकलना, उसके बारे में सोचना आना चाहिए। जैसा कि एनवायरमेंट, अब हमारे बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं, पढ़ेंगे, हॉस्टल में जाएंगे अलग एनवायरमेंट मिलेगा, जॉब पर जाएंगे अलग एनवायरमेंट मिलेगा। तो जो बच्चा फ्लेक्सिबल होगा, एडजस्ट कर सकता है, वो करेगा, अदरवाइज होम सिकनेस में सबको करा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आता है फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। फिर लीडरशिप, लीडरशिप के बारे में हमने सबको बताया, बच्चे में क्लास में 56 बच्चे हैं, सभी तो मॉनिटर नहीं है, एक या दो बच्चा मॉनिटर बनता है, चाहे हम उसको दो महीने बाद चेंज कर दे कि जो हम उसको क्वालिटी देखना चाह रहे थे वो नहीं दे रहे थे दूसरे में, तो 56 के 56 बच्चे मॉनिटर नहीं बनते, कोई एक बच्चा ही या दो बच्चे ही बनते हैं। फिर उसके बाद तीसरा बच्चा वो होता है जो हमारे काम को अच्छे से कर सकता है, समझ सकता है और अच्छे से कर सकता है, तो ये उसका लीडरशिप का गुण है, क्योंकि वो सब में से एक विशेष। इसके बाद आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव तो हम सब अच्छे से जानते हैं, कुछ बच्चे क्या मैम बस जरा से कहते हैं, ये रजिस्टर नीचे रिसेप्शन पर रख के आना है, कुछ पैसे कर जाएंगे, कुछ आगे पैसे पास भी खड़े हो जाएंगे, तो ये क्या है इनिशिएटिव, ये क्या है इनिशिएटिव, ये हमें भी डेवलप करना है कि उसे किसी काम के लिए ना कहें। अब इसके साथ ही ज्यादा भी प्रतियोगिता कराएंगे, तो हम कहेंगे मैथ्स में कौन कौन लेना चाहता है, साइंस में कौन कौन लेना चाहता है, बहुत कम बच्चे हाथ उठाते हैं, हम उनमें से स्पेशल यानी कि जो बच्चे हाथ उठाते हैं वो क्या कर रहे हैं इनिशिएटिव, उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। पिछले सालों से जब से भी यहाँ पे मैं आई हूँ, मैंने ज्वाइन किया, मैंने देखा बच्चों को पता नहीं क्या करना है, वो सिर्फ हाथ उठाते कि हाँ मैम हम कर सकते हैं, तो हमें तीन बच्चे लेने होते हैं, 6 बच्चे सिलेक्ट करते हैं, उनमें से 3 बच्चे हम यहाँ पे क्विट कर देते हैं, और नहीं करते तो 2 क्विट करते थे, 4 रह जाते, तब हमारे धर्म संकट खड़ा हो जाता है कि किसको हम ना ले और किसको हम ले। तो ये वाली पोजिशन सबके साथ आनी चाहिए और सब क्लास में आनी चाहिए, यानी कि हमारे बच्चों में इनिशिएटिव लेने का जज्बा होना चाहिए और ये हमें भी होना चाहिए। इसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से मतलब आप लोग क्या समझते हो, आप लोग कुछ नया करना और उसको कुछ हम अपनी तरफ से उसको बनाए विचार करके भी और कुछ नहीं आ सकते ऐसे हम लोग। चलिए आप बताइए, बताए प्रोडक्टिविटी उन्होंने चेयर्स दी, उन्होंने कहा इन चेयर्स से आप कोई शेप बनाओ, तो किसी ने प्लस बनाया, किसी ने माइनस बनाया, किसी ने रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाया, तो उन्होंने एक
सोच दी, उन्होंने एक क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हमारे लिए डेवलप की और उससे प्रोडक्टिविटी क्या हुई कि शेप्स उन्होंने बच्चों हम लोगों ने तैयार की, तो वो प्रोडक्टिविटी थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब मेनली स्किल, क्योंकि स्किल में है। एक तो प्रोडक्ट होता है जो हम लेके आते हैं, उसके कोई प्रोडक्ट फेमस है, दंतकांति फेमस हो रहा है, कॉलगेट डाउन जा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी, दैट इज राइट। बट हमें माइंडसेट के तौर पे हमें क्या चाहिए, हम जो अपने बच्चे को दे रहे हैं, जो हम उनसे समझा रहे, हर सिचुएशन में वो काम कर सके और अपना अच्छा ले सके। जैसे कि अभी आप थर्ड क्लास में पढ़ा रहे हो, तो आपके बच्चे को मार्च 31 मार्च 2024 तक थर्ड क्लास के स्तर का ज्ञान हो जाना चाहिए। अगर उसे थर्ड क्लास के स्तर का ज्ञान नहीं होता है तो फोर्थ क्लास में नहीं आ पाएगा, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन है। ठीक है, 31 मार्च हमारा लास्ट डे होता है हर क्लास के लिए, तो उस दिन उस बच्चे को अपना जो सेशन पढ़ रहा है 12 महीने जिसमें निकाले हैं उसके स्तर से अधिक का ज्ञान हो जाना चाहिए। यही प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो हम सीख रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, जिसके लिए हम एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने मेंटर के इतना भी बच्चे को, वो तो आना ही चाहिए, लेकिन उससे आगे उसे भी सोचना चाहिए। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि आप एक बार हमारे यहाँ भी हुआ था DSLI से वो स्वास्तिक बनाना था, तो किसी ने प्लस बना के बनाया, किसी ने चार पहले खड़े किए, अंदर के चार, मतलब सबकी प्रोडक्टिविटी निकल के आई कि सबने स्वास्तिक बनाया। वो तो कॉम्पिटिशन था, तो उसमें एक टाइम एलिमेंट डाल दिया गया था, बट स्वास्थ्य समय बनाया और किसी ने एक जैसे तरीके से नहीं बनाया, चार लोग बैठे थे, चार लोगों ने चार तरीके से स्वास्थ्य को बनाया, सेम वो मटेरियल था, लॉजिस्टिक्स जो लक्ष्य था वो भी सेम था कि स्वास्थ्य बनाना, जो उसको करने का तरीका था वो अलग था, वही प्रोडक्टिविटी में। जैसे कि अभी दीदी ने बताया कि चेयर्स दे रही है, इनसे कुछ भी एक डिजाइन बनाइए, कुछ भी बनाइए। अधिकतर जैसे विद्यार्थी में होता है कि जैसे आज हमारी सीटें लगी हुई ऐसे नहीं लगती, एक के बीच में एक लगाइए, वी शेप में लगाइए, हाफ सर्कल में लगाइए, इस तरीके से लगाइए। तो यही चीजें हम एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, इन सब चीजों से माइंड में कुछ नया आता है। अब अपनी क्लास ले रहे दूसरी क्लास में कुछ चेयर्स और मिलेंगे, कुछ बोलना चाहता हूँ तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जी जैसे हम मैथ्स में भी करते हैं क्लास के अंदर कि बच्चों को कहते हैं टेबल है, हम टेबल का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। एक टेबल तो एक ही है, बच्चे पहाड़े ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इन टेबल्स का केवल एक जगह बच्चों को ज्यादातर माइंड कहा रहता है कि हमें केवल मल्टीप्लाई करनी है या ज्यादातर डिवाइड करनी है, दो फोकस है उसका। लेकिन हम इनके अलावा बहुत जगह हमारे इनका यूज होता है, पूरे मैथ्स की मैक्सिमम चैप्टर जो आएंगे वे टेबल पे डिपेंड है। जैसे आपको एलसीएम फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, आपको फ्रैक्शन के नीचे का आपको जो क्लियर करना है वहाँ भी एलसीएम आ गया। अगर आपको मैट्रिक सिस्टम है लेकर जाना है तो वहाँ भी आप इसका यूज करेंगे। तो मैट्रिक सिस्टम आपको मेजरमेंट जो है वहाँ भी हमारा टेबल्स यूज होती है। तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो टेबल से छुटा, तो ये टेबल एक ही है लेकिन हम अलग अलग चैप्टर में यूज करते हैं, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी है। और ये ना बच्चे को जैसे मैं भैया मैथ्स टीचर है, टीचर के पास तो बहुत बात में आता है, पहले हम घर में सिखा देते हैं। यस, आपकी बर्थडे आपकी बॉर्न डेट होती है, अगर मैथ्स ना होता तो बॉर्न डेट कहाँ से होती? यस मैम, बॉर्न टाइम कहाँ से होता? आप जब जन्म लेते हो, पृथ्वी पे आते हो, तभी आपका टाइम आपकी डेट की जाती है, मेंशन की जाती है। अगर मैथ्स नहीं होता तो वही नहीं होता, मैथ जन्म के साथ जुड़ा है और मरण के साथ जुड़ा है। जब बॉडी का एडमिशन किया जाता है तो बॉडी के वेट के हिसाब से लकड़ी घी वी सब सुविधा आती है, तो अगर वेट मैथ में आता कोई ना होता तो आप कितनी लकड़ी काटते, कितने उपले लगाते, सब चीजें। तो इसलिए जन्म से लेके मरण तक मैथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बिना सोचे की मैथ की चले ज्यादा बताए सारे मैथ, क्योंकि हमारे जन्म से लेके माई बर्थ डेट मैथ रेट है। वही तो मैं लिखा ना, पहले बॉडी का वेट किया जाता है, उसके बाद सुविधा आती है सारी लगभग मान के, तो वो सब रहता है। इसके बाद आता है सोशल स्किल्स, सारी चीजें हम किस लिए डेवलप कर रहे हैं, ताकि बच्चा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्लास वन से हम पढ़ते आते हैं, हमें घरों में सिखाया जाता है, सोशल पर्सन होता है, सोशल पर्सन होता है। तो ये सारी डेवलपमेंट किसके है, सारी स्किल्स किसके लिए है, समाज के लिए। अब बच्चे में सारी चीजें डाल दी बट वो किसी के साथ सोशली ना हो पाए। आपने देखा होगा आजकल के बच्चे मोबाइल में गेम में, उनके भाई के फ्रेंड्स ही नहीं है, स्कूल के फ्रेंड्स है, तो
तो स्कूल के फ्रेंड्स बस में बैठ के अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो क्लास में बच्चा है वो जरूर भी उसकी बस में उसके घर तक आता है, उसके घर के पास वाला हमारे फ्रेंड्स होते थे दो दो तीन तीन तरीके के, कैसे एक तो स्कूल वाली फ्रेंड्स होती थी, एक घर वाली फ्रेंड्स होती थी, एक वो चलते फिरते मिल जाती थी सामान लेने जाते थे, तो शाम को घूमने गए सामान लेने गए, मुझे नाम नहीं पता आज तक भी मुझे उनका, मेरे घर बहुत सारे फ्रेंड है मेरी चलते फिरते नाम नहीं पता मुझे आज तक उनका, लेकिन हाय होती है खूब बातें होती है, सड़क पर खड़े हो जाएंगे 10 मिनट 5 मिनट बात कर लेंगे, ना घर की बात करती है ना बच्चों की, फिर भी बातें हो जाती है, लेकिन नाम आज तक नहीं बताऊंगा, कहने को मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं उनकी हिम्मत ही नहीं को मिलती है, तो अरे बड़े दिनों से मिली थी क्या थी तो ठीक थी हाँ, अरे तुम लोग रोज रोज दिखाई दे रही छुट्टी पड़ी, मैं तो हाँ दीदी छुट्टी पड़ी इसलिए रोज घूमने आ जाती, मेरे तो कहाँ दिखती थी बोली हाँ तो साड़ी में भाग साड़ी में भाग ली होती थी सूट में मुझे दिखाई देती हो, ये सब बात आ जाती, लेकिन नाम नहीं पता आज तक घूमने वाली सो वाली फ्रेंड की और झूम में मिलती है, तो ये सोशल स्किल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी आई ट्री दैट डज नॉट बैड ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग गैस अप्रूविंग, हम सब जानते हैं जब तूफान चलता है जो ट्री नहीं झुकता है वो क्या होता है उखड़ जाता है, जो थोड़ा सा बैंड हो जाता है वो रह जाता है, तो यही फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये आपके रिमेम्बर के लिए जो मैंने बोला उसको थोड़ा सा पढ़ के समझ लें, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ इसमें अडेप्टेबिलिटी भी आती है, मैंने बताया ना हरी के साथ ना दो दो पॉइंट्स और जोड़ दिए, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्या है अडेप्टेबिलिटी, जब फ्लेक्सिबिलिटी कब आएगी जब वो सिचुएशन को स्वीकार करेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी से थोड़े से 19 भी हो सकते हैं, आप हर जगह 20 नहीं हो सकते, कोई कोई समय ऐसा होता है कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आप 20 हो जाते हैं, लेकिन आप ये ना सोचें कि मैं सबसे 21 ही रहूंगा आगे भी, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, जो आज 21 है वो कल 18 भी रह सकता है, ठीक है ना, यही अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सीबिलिटी है, फ्लेक्सीबिलिटी अडेप्टेबिलिटी हम कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को, जो घर के बर्तन है आप जैसे आपके पास एक पैन है जिसको कढ़ाई कहते हैं ना, अलमोरी बन जाता है सब चीज बन जाती है पूरी भी बन जाती है, क्या हो गया फैमिली कुछ हो गया, तो हम बच्चों को ऐसे सिखा सकते हैं कि इन बर्तनों से कुछ बना के दिखाइए, चम्मचों से बहुत सुंदर पेंटिंग बनती है वो बना के दिखाइए, प्लास्टिक की चम्मच ले लीजिए उससे बहुत अच्छा मोर बना के दिखाएंगे बच्चे, बहुत अच्छा फोटो फ्रेम बनवा के दिखाएंगे, शायद शादी दीदी ने बनवाया होगा अभी इसलिए के हम सबने वॉल हैंगिंग बनाया होगा अंडे की प्लेट से है ना, सबने बनाया होगा, तो अंडे की प्लेट क्या है सिंपल से बैंगल से बनाया होगा, ठीक है मैंने तो अभी लास्ट टाइम बनाया था दिखाया था लोगों को, दिवाली में मेरे घर में डेकोरेशन होती है तो मैंने बैंगल से बनाई थी दिखाई थी पूरी वाली दीदी शादी के लिए, इस तरीके से न्यू गेम मेकअप कर सकते हैं हम, जैसे कि अब लूडो है इसमें लीडर से, तो आप उसमें कुछ और कर सकते हैं, जैसे शायद दीदी ने किया हुआ है कुछ हिंदी के वर्ड्स डाले हुए हैं, हाँ वर्ड लिस्ट है डिक्शनरी बन गई वो एक तरह की, ठीक है ना, क्लासरूम में देखिए यहाँ आ गया ना फ्लिप क्लासरूम, जैसे हम एक्टिविटीज के दिन करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट अलग कर देते हैं, ये सब रहता है लीडरशिप, लीडरशिप इज द लाइफ स्किल दैट हैज वन लर्न द आर्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद इन टीम्स डिफाइन आइडेंटिटीज एंड अचीव टास्क इफेक्टिव, ये बहुत जरूरी है आपको समझना है, क्योंकि रिलेशनशिप तो बनती है, अगर आप किसी के लीडर हो तो आपके पास कार्यकर्ता भी होने चाहिए, ठीक है टीम यानी कि आपकी एक टीम होनी चाहिए, फिर आप आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिटी आपकी निकल के आती है, आप अच्छे नेता हो या बुरे नेता हो, कांग्रेस का हाथ सब जानते हैं, तो किसी की भावना मुझे किसी को जानी लेकिन आप सब जानते हैं, ठीक है और उसके बाद क्या करते हैं अचीव टास्क को अचीव करते हैं, जैसे मैंने अगर मैं कहीं और भी नहीं जाऊं पार्टीज में भी नहीं अपने विद्यालय में रहूं तो आज कमला देवी का नाम प्रांत का हर विद्यालय जानता है, इतना बड़ा कमला देवी ने किया है मैम के मार्गदर्शन में बहुत ज्यादा, और इसके पीछे मैम की सबसे ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग है और सबसे ज्यादा मैम का वर्क है इनिशिएटिव वर्क भी है मैम का कि हाँ ये हम करके दिखाएंगे, हम लेडीज हैं तो क्या हुआ हम तब भी ये काम करके दिखाएंगे और जेंट्स लोगों से अच्छा काम करके दिखाएंगे, तो इसके बेस पे भी कमला देवी का नाम आज प्लान में किस अभी पद में गए होंगे हमारे भैया बहन हो गई है तो वहां पे आपसे किसी ने पूछा होगा किस विद्यालय से आए हो आपने कहा कमला देवी से, अरे वाह वो तो बहुत अच्छा है स्कूल, यही बात सुनने को मिली ना, मैं तो नहीं गई लेकिन मैंने आपको बताया, हाँ बताइए दीदी सबसे
पहली बार जो हम लोगों को अनुभव हुई, शायद आप लोगों को जब आप बाद में जाएंगे तो अनुभव होगी, जो यहाँ पे क्लास चल रही है, जो सेशन चल रहे हैं, जो एक्टिविटी चल रही है, दीदी करा रही है, जो बताती रहती है दीदी, वो सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, हमें वहां जाके पता चली जब वहां पे सेशन हुए, क्वेश्चन आंसर हुए, और हमने जब आंसर दिए हमें याद आया, अच्छा दीदी ने ये वाली बात बताई थी वहां पे ये हुआ था, तो मतलब ऐसा लगा वहां पे कि हम उन लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब जो चीजें वो पढ़ा रहे हैं उनमें हमें ज्यादा जानकारी है। और मैं हर दिन दीदी को याद करती थी, प्रीति दीदी से बोलती थी कि हमारी गीता दीदी की वजह से ही आज हम सारे आंसर दे पा रहे हैं, सब समझ पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैम ने मुझे पूर्व रिसोर्स पर्सन के रूप में वहां पे मैंने वहां का जो स्टाफ था मुझे ऐसा लगा कि उनके सामने ये चीज पहली बार प्रेजेंट हुई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोल उनके आप मुझे बताइए ऐसी मैंने उनसे बोला उनके ऐसे ही याद थे। मैंने मैम को भी आके बोला कि दीदी सेशन तो पता नहीं मेरा कैसा गया कैसा नहीं गया, वो तो आपको फीडबैक बाद में प्रिंसिपल देंगे, लेकिन मुझे ये लगा कि टीचर्स के सामने ये वाला मैटर पहली बार आया है, तो इसलिए उन्होंने बड़े ध्यान से सुना, समझने की भी कोशिश की, जो नहीं आया जैसे मेरे दो सेशन थे तो उसमें भी उन्होंने लिया। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि हमारा विद्यालय बहुत आगे हर चीज में आगे है। जब हम अपने विद्यालय से कहीं बाहर जाते हैं किसी जगह पर जाते हैं तो तब हमें पता चलता है हम किस विद्यालय से बिलोंग करते हैं और इस विद्यालय की रेपुटेशन किसकी वजह से, सब बातें पता चलती। अच्छा अरे कमला देवी से है मेरे शास्त्री, अगर कमला देवी नहीं मेरे शास्त्र, अच्छा गीता जी के स्कूल से है, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ हमें पता लगता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। कोई बात ना पता तो गीता जी से पूछ लो, दीदी से पूछ लो, हमारा जहाँ वर्क वहाँ से हम जाने जाए वो जगह हमसे जाने जाए, ये दो परिचय ठीक है। लीडरशिप हम कैसे कर सकते हैं, क्विज के थ्रू, राउंड टेबल के थ्रू, नंबर गेम्स के थ्रू हम लीडरशिप कैसे आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, किसी बच्चे में कितनी लीडरशिप है, किस तरीके से कर सकते हैं, इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, अपने से प्लान करना है, इसके लिए दूसरा वर्ड है सेल्फ डायरेक्शन। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग लेवल नहीं पाएंगे। पूरे वजह से पूछा हमारे वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन हुआ था, इलेक्शन हुआ था बकायदा, एमएलए बने थे, मैं बनी थी लोकसभा स्पीकर, कष्टा वाले पे इलेक्शन हुआ था बकायदा, मेरे को पता नहीं क्या करना, मतलब बेरेट से मैं हूँ साइड में बैठ के पास में थे, हाँ मैडम को जीत गए, मैं जीत गई, मैं लोकसभा स्पीकर भी बनी, आप लोकसभा स्पीकर भी चुप करा नहीं सकती हूँ मैं, तो मुझे महेश योगी जी बोले, महेश जी बोले लोकसभा स्पीकर ना बोलती नहीं है, मतलब फिर से क्या करता भी लाती रहती है, फिर हाँ मतलब ठीक है, तो फिर हमारा सेशन चला, मेरी बकायदा चीजें करी, देखो दीदी संस्मरण आ रहा, मतलब आपसे बस मेरा दीदी का रहता है सारा, मैंने घर पर बताया, तो लोकसभा लगी, अब उसमें ये काम किया गया, प्रधानमंत्री की साइड थी, प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा, तो मुझे ये वर्ड मिले, तो वहां मुझे क्या पता लगा कि लोकसभा स्पीकर बनने के बाद आपके दायित्व और उत्तरदायित्व क्या है, ये भी मैंने देखा, मतलब मैं कोई जवाब नहीं देना है, जवाब देने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्रधानमंत्री, आपसे स्पीकर है लोकसभा की, तो आपको जवाब किसी को देना, आपको प्रॉब्लम्स देनी है, प्रधानमंत्री भी वही बैठा है, वो वही कहीं और नहीं गया, और सारे सदस्य भी ऐसी बल्कि हमारे विभिन्न दलों के वो बने थे, दल भी डिवाइड किए गए थे, बीजेपी वगैरह नहीं मिला था और सब मिले थे, तो ये होता है आपको सेल्फ डायरेक्शन भी मिलता है इनिशिएटिव लेने के बाद। अब जैसे मुझसे कहा था कि आप चेंज कर दो, है ना, मतलब नहीं मैं संस्कृत का कक्षी तैयार करूंगी क्योंकि मुझे उसमें कुछ नया सीखने के लिए, बिल्कुल ठीक है, बंच ऑफ एक्टिविटीज के द्वारा दे सकते हैं, टीचर फर्स्ट गोल और गोल दे सकते हैं, तो भी मैटर दे सकते हैं इस तरीके से। अब आता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी जुड़ा हुआ है, प्रोडक्टिविटी का हमें सबको पता लग गया, गुणवत्ता जैसे इसका हिंदी में आता है, लेकिन ये उससे अलग है, हर सिचुएशन में अच्छा अपना बेस्ट करना, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये वो अकाउंट नहीं है बैंक खाता कॉमर्स वाला,
अकाउंटेबिलिटी का मतलब अपने काम को कितने अच्छे तरीके से खुद ही उसका क्या करना, वैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन करना, 100% गया, 60% गया, 80% गया, तो वो है सोशल स्किल्स टू मेक स्टूडेंट अडैप्टिव, फ्लेक्सिबल, एप्रिशिएटिव टू डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एप्रिशिएटिव टू ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डायवर्सिटी का विविधता हुआ, लेकिन ये एप्रिशिएटिव ऑफ डायवर्सिटी। किसी दिन हॉस्टल में चाय मिल सकती है, किसी दिन तुम सोते रहोगे तो चाय नहीं मिलेगी, तो आपको उस सिचुएशन में भी वहां पे हिलना आना चाहिए। एप्रिशिएटिव ऑफ डायवर्सिटी, हर चीज को ध्यान करना और उसको उसके साथ एडजस्टमेंट करना। ये मैंने इस वर्ड का मीनिंग सुना था, मैंने आपको ठीक है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। 21st century स्किल्स का मतलब है लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स, लाइफ स्किल्स। लर्निंग स्किल्स में फोर चीज है, बताइए कौन बताएगा, कम्युनिकेशन, फिजिकल थिंकिंग। फिर आता है लिटरेसी स्किल में IMT, इंफॉर्मेशन। आजकल हम लिटरेसी के लिए लिटरेसी का मतलब क्या है, लिटरेसी का मतलब क्या है, इसका लिटरेसी नाम क्या है, इन टेक्नोलॉजी और मीडिया की जानकारी प्राप्त करना या शिक्षा लेना, इसकी मतलब एक तरह से नॉलेज। अगर मैं अभी यहाँ कहूंगी मैं किसी से एग्री नहीं, मैं यहाँ एक वर्ड होता है एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एक वर्ड होता है एजुकेशन, एक वर्ड होता है लिटरेसी। हमारी क्लास में भी समझाया कैसे नंबर 8 में सेलिब्रेटेड डेज विद द वर्ड्स, उसमें आया लिटरेसी डे। व्हाट इज द मीनिंग बाय लिटरेसी, साक्षरता, बिल्कुल सही। इसे कहेंगे ये तो हिंदी मीनिंग हो गया, लिटरेसी बोलो या साक्षरता बोलो, नॉलेज वाले जिसको ज्ञान हो, नॉलेज और ज्ञान नहीं आता, नहीं पहचान जो हमारा जैसा 1 2 3 4 5 जो हमारे नंबर है, FLN जो है, जो FLN का प्रोसीजर कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो लिटरेसी पे ही निकल गया। यस, उसमें क्या है, अंकों का और अक्षरों का ज्ञान बढ़ते हैं स्कूल में दे रहे हैं, आंगनबाड़ी में या स्कूल में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि वो सिखाया जा रहा है। लिटरेसी का मतलब है कि आपने देखा होगा बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं लेकिन वो अपना साइन कर देते हैं, तो लिटरेसी में नहीं आएगा, वो इलिटरेट ही है, अनपढ़ ही है, क्योंकि उन्होंने साइन करने के लिए अक्षरों की बनावट को सीखा है, सिर्फ अपने 3 या 4 अक्षर को। लिटरेसी का मतलब है कि अक्षरों का ज्ञान होना, शिक्षित, एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा का मतलब ये है कि उससे अलग नॉलेज ले, जैसे हम क्लास नर्सरी क्रॉस करें फिर LKG क्यों, नर्सरी जैसे हम क्लास क्रॉस किए हम एजुकेटेड पर्सन हो, उससे पहले बच्चा घर में ए बनाना सीख लेता लेकिन वो शिक्षित नहीं है, वो क्या है, क्या है वो, इलिटरेट, साक्षर, ठीक है, बस एक थोड़ा सा अंतर है इसलिए, तो इसी से हम इसको करेंगे लिटरेसी स्किल IMT, यानी कि टेक्नोलॉजी में जो चीजें निकली हैं हम उसे कम से कम साक्षर तो बन जाए। आई मैं आपसे पूछूं भीम ऐप क्या है, कितने लोग बता सकते हैं भीम ऐप क्या, मोदी जी का चलाया हो, राहुल जी का चलाया हो, सुष्मिता का चलाया, सुषमा स्वराज का चलाया हो, किसी का भी चलाया, लेकिन है क्या, गूगल तो एक ब्राउजर है, पेटीएम के कोडिंग, गूगल पे, पेटीएम, पेटीएम का इतना सारा बोलने की जगह क्या कर सकते हैं, पैसा मनी को डिजिटली ट्रांसफर कर सकता है, एजुकेटेड पर्सन, ये साक्षर लोगों की भाषा है जिससे मैं पैसा दे सकूं ले सकूं, वो वाला ऐप है भीम है, ठीक है, समझ में आ गई, सिर्फ इतना सा था, ठीक है ना, बोला तो जितने पेटीएम ब्राउजर है, गूगल को तो हम यूज करते हैं, कौन से ब्राउजर है, पेटीएम शॉर्ट फॉर्म है, ब्राउजर क्रोम, क्रोम याहू ये सब है ना, सर्च इंजन होते हैं, तो ये थोड़ी सी चीजें, इसलिए मैंने पूछा कि मतलब भीम क्या है, भीम ऐप क्या है, वो भी इस ऐसी हमें पता दृश्य ऐप करिए,
उसके बाद तो बहुत सारे ऐप आ गए, दीक्षा ऐप क्या है, एजुकेशन ऐप है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया है, हमारे विद्या भारती का ऐप कौन सा है चल रही, हमारे विद्या भारती ने भी एक एजुकेशन ऐप चला रखा है, विद्या भारती के पोर्टल पे लास्ट 3 मंथ्स में कौन कौन गया, कोई भी नहीं गया। अभी जब मैम कहेंगे ना आपको अपना वो करना है तो रोज खुलेगी विद्या भारती का पोर्टल, रोज खुलेगा, अभी पासवर्ड नहीं ले रहा, अभी ये नहीं ले रहा, आप उसको मेरे भी पास सर्च करके जिसको देखेंगे किसी चीज नहीं गई है। ई पाठशाला ऐप, कौन सा ई पाठशाला ऐप, उसमें अपनी आईडी बनाइए, कम्युनिटी बनाइए, बहुत विस्तृत हो गया विद्या भारती का पोर्टल। जैसे मेंस में कम्युनिटी बना रखी इन्होंने 4-5 ग्रुप के साथ जोड़ रखी है, ऐसे हम ई पाठशाला ऐप पर जाए विद्या भारती जुड़ू, मैं उसमें जुड़ी हुई हूँ मध्य प्रदेश के लोगों से, मैं भी जुड़ा हूँ उसमें, मुंबई के लोगों से, मदुरई के लोगों से, राकेश शर्मा जी उसके वो हैं, उनके साथ जुड़ हुई हूँ। तो आप विद्या भारती को बोलिए, जैसे विद्या भारती के पोर्टल को तो बोलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के इस चीज को, गेम मैं भी खेलती हूँ मोबाइल में, सोनिया दीदी को बता अखबार नहीं पढ़ती, गूगल पर पढ़ती हूँ, अखबार का टाइम नहीं मिलता तो गूगल पर न्यूज पढ़ती हूँ, न्यूज देखती हूँ, डिबेट देखती हूँ, थोड़ा सीरियल देखना, सीरियल देखो नॉनसेंस वाले तो याद ही ना रहे, ठीक है ना। अब आया लाइफ स्किल में फिलिप्स, ठीक है ना, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी ओवर हो गया, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।